how I went from 16 marks in physics in JEE Mains 2023 to 80 marks in physics in JEE Mains second attempt 2023. स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, ट्यूशन जाते हो, मेन चीज़ है सबको फॉर्मूलेज याद है, बट किसी को भी अप्रोच नहीं पता। और फिजिक्स में सबसे ज़रूरी होता है अप्रोच, क्योंकि जेई मेंस में एनटीए आपको क्वेश्चन इजी पूछता है फिजिक्स में, बट फंसाता एकदम लास्ट में, इधर एकदम लास्ट में है या फिर एकदम फर्स्ट में। आपको इधर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा या फिर आपको लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चन कहीं तो देखा है, बट अप्रोच नहीं पता। आपको जाना है एडोनिटी चैनल में और सबसे पहले आपको सॉल्व करने हैं जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन, फिर आपको सॉल्व करने हैं अप्रैल अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन। फिर आप क्या कीजिए, आप ये चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए। ये एक एक प्लेलिस्ट अगर आपने लगा लिए, आपको क्वेश्चन रट जाएंगे, आपको सारे फॉर्मूले रट जाएंगे। जैसे एक कैपेसिटर चैप्टर है, आपने पहले फॉर्मूले लगाने हैं, फिर उसके बाद आपने 2020 से लेके 2021, 22 और 23 के सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं। और अगर आपने फिजिक्स में 70-80 मार्क्स स्कोर कर लिए और बाकी सब सब्जेक्ट में मिला कर गए, अगर आपको 30-40 मार्क्स भी आ गए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में मिला के, स्टिल आपका स्कोर 110-130 में आएगा, जिसमें आपको इजीली 93-94% आ सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। फैक्टर्स है कि आपका शिफ्ट अगर इजी आया तो सभी के लिए इजी है, अगर आपका शिफ्ट टफ आया तो सभी के लिए टफ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 130 से लेकर 140 स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत एक अच्छे NIT में एक अच्छा ब्रांच पहले ही सिक्योर कर चुके हैं और आप अपने एडवांस के लिए तैयार कर सकते हैं।